ओनली हिंदू मुस्लिम है, राम मंदिर है, 370 इससे क्या हो जाएगा? लिया किसी ने प्लॉट, बीजेपी वालों ने किसी ने जाके कश्मीर में प्लॉट। 24 में 22 तारीख को राम मंदिर भी बन गया, डेट भी आ गई, उद्घाटन भी होने वाला है बीजेपी का। राम मंदिर जिसको लाया है अपन राष्ट्रीय हित के लिए बोलते हैं, ना कि बीजेपी। चलो चलो चलो, वो तो हाई कोर्ट का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है, वो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया तभी तो हुआ ना वो। सर सरकार बननी चाहिए कांग्रेस की, बिल्कुल सर। कांग्रेस की क्यों सरकार? गहलोत साहब ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं लाई है, कोई सोच नहीं सकता। सेंटर में मोदी जी फैल रहे ऑफिस के सामने, यहाँ पे ऑफिस ला दिए सर यहाँ पे गहलोत साहब ने। नहीं देखो जी, ऐसा है, ये एक हिंदुओं का देश है और हिंदू शासित एक ही प्रदेश, एक ही देश है ना। देश हिंदू का देश है या फिर मुस्लिम का देश है या फिर सिख का देश है या सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू का देश है? बाहुबल्य तो हिंदुओं का है ना, और देश सभी के लिए है। भाई साहब, इस बार किसकी सरकार चुनने जा रहे हो, क्या है? बीजेपी की। बीजेपी की 3 तारीख को जो होगा क्या रहेगा? बीजेपी आएगी पक्का। और एग्जिट पोल भी जो आया तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? एग्जिट पोल ये कम से कम 120-125 सीट आएंगी बीजेपी की। आप कहाँ रहते हैं? राड़ावास। कहाँ, कौन सी विधानसभा? विधानसभा। कैसा क्या चल रहा है सापरा में? वैसे तो बीजेपी है नहीं, मनीष आएगा क्योंकि टिकट ऐसा ही बट गया वहाँ से। मनीष यादव? हाँ मनीष यादव आएगा। आप साहब कहाँ से हो? मैं नागौर का हूँ। नागौर में किसकी हवा चल रही है? बीजेपी की है भाई साहब। बीजेपी की चल रही है जी। वैसे तो लाडनू तहसील से तो मुकेश भाकर जी आ रहे हैं, बाकी रामनिवास गावड़िया जी आ रहे हैं, कांग्रेस के हैं वो। और यूनुस खान भी है उधर से? यूनुस खान जी भी हैं। कैसा क्या चल रहा है उनका? बढ़िया चल रहा है। क्या कहोगे आप, एग्जिट पोल भी है कल, कांग्रेस कोई कांग्रेस दिखा रहा है, कोई बीजेपी दिखा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? दिखाने से नहीं होता, वोट पड़े ना उनसे होता है, और वो पड़े बीजेपी के। मैं थाना गाजी विधानसभा क्षेत्र। थाना गाजी विधानसभा क्षेत्र में कैसा क्या कहोगे? थाना गाजी से एम सिंह मढ़ाना भाजपा प्रत्याशी एक तरफा जीत रहे हैं, भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। यहाँ सारे भाजपा के ही लोग बैठे हैं। अब कोई कांग्रेस का भी है, कोई भाजपा का भी है। आप किसके हो? अपन तो एम सिंह मढ़ाना के आदमी है, भाजपा प्रत्याशी विधानसभा थाना गाजी। हाजी साहब आप कौन से विधानसभा से है? बीजेपी से। बीजेपी से तो क्या कहोगे इस बार, क्या चल रहा है, किसकी हवा चल रही है, क्या कहोगे? बीजेपी की चल रही है। बीजेपी की चल रही है। कभी क्या कहोगे एग्जिट पोल को लेकर? एग्जिट पोल पे कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, उसमें 20-50% का वेरियंस रहता है हमेशा। और एक कहावत भी है, सजी सजाई दुल्हन मंडप छोड़ के भाग जाती है कई बार, है ना। तो अभी सरकार बीजेपी दिखा रहा है एग्जिट पोल का, पर कांग्रेस भी आ सकती है, टक्कर काटेगी। 1996 में जब एग्जिट पोल का जब आंकड़ा शुरुआत में जब हुआ था तो उन्होंने अनुमान लगाया था कि बीजेपी की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार भी बनी थी उस टाइम पर। तो इस बार आप एग्जिट पोल को गलत भी ठहरा रहे हो, तो ऐसा क्या? कांटे की टक्कर है जी। देखो इसमें काम इधर भी हुआ है और जो यहाँ का रिवाज है वो यही है, बीजेपी आए 5 साल बाद, पर इस बार काम हुआ है तो काम को देखते हुए कांटे की टक्कर है। इस बार रिवाज बदलेगा? हाँ दोनों बातें हैं सर, रिवाज भी बदल सकता है और रिवाज नहीं भी बदल सकता, कांटे की टक्कर है पूरी। जोड़ तोड़ की सरकार भी बन सकती है इसके अंदर, ऐसा नहीं है किसी के पास 20 सीटें कम रह गई और निर्दलीय में आ गया कोई 20 सीटें ले गए, तो जोड़ तोड़ भी हो सकता है। इस बार आपका किस ओर मन है, कि कांग्रेस की सरकार बने या फिर बीजेपी की सरकार बने? नहीं देखो नियम तो यही बोलता है जी, जो 5 साल का जो बनाता है पंचवर्षीय योजना उसको 5 साल और दो काम करने के लिए, पर यहाँ का रिवाज ये है 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो इस बार बीजेपी के चांसेस पूरे हैं। आप कह रहे हो कि बीजेपी के चांसेस पूरे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार अशोक गहलोत ने जो योजनाएं 7 गारंटी भी दी, कई घोषणा पत्र भी जारी किए, क्या उनसे फर्क नहीं पड़ेगा जनता पर कुछ ऐसा? काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है जी, विकास हुआ है, काम के प्रति हम बिल्कुल देख रहे हैं। अशोक गहलोत जी की सरकार ने बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है, पर बीजेपी भी सेंटर में अच्छा काम कर रही है, उसको देखते हुए राज्य में सरकार उनकी बन सकती है निश्चित तौर पर। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, संविधान बीजेपी को घेरते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है बीजेपी के द्वारा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो एक बिल्कुल पारदर्शिता है, इलेक्शन के अंदर सबने वोट डाले हैं, सबका अधिकार है, लोकतांत्रिक देश के अंदर सबका एक ये मत है अपना,
और लोग अब बहुत समझदार हो चुके हैं, अपने काम के बलबूते पे अपना वोट देते हैं वो। कहीं ना कहीं ये भी बता, विपक्ष की कांग्रेस की तरफ से ये भी चलता है कि बीजेपी सरकार नफरत की राजनीति करती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक आम जनता है आप, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो जी, ऐसा है, ये एक हिंदुओं का देश है और हिंदू शासित एक ही प्रदेश, एक ही देश है ना। देश हिंदू का देश है या फिर मुस्लिम का देश है या फिर सिख का देश है या सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू का देश है? बाहुबल्य तो हिंदुओं का है ना, और देश सभी के लिए है, सबका ही है, उनका भी योगदान है, हिंदुओं का भी योगदान है, इसको आज़ाद भी कराया है देश को। पर ये जो राजनीति है, इसके धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बस बिल्कुल। तो जय श्री राम को लेकर राजनीति भी चल रही है? नहीं ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने धर्म है, सबके अपने नारे हैं, अपना मत है, सबको अपना अधिकार है ना। मुसलमान है तो कोई गलत नहीं है, कोई गलत प्रनाउंसिंग या गलत उनकी कोई ऐसी धारणा नहीं है, उनके प्रति कोई ऐसी गलत सोच नहीं है, है ना। देश उनका भी है, उन्होंने भी संघर्ष किया इसको आज़ाद कराने में, उनका भी हाथ है। तो मतलब धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बेसिकली राजनीति हो काम की राजनीति, विकास की राजनीति। कहाँ रहते हो आप? जोधपुर। जोधपुर से इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस। कांग्रेस की क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार बनने का क्या कारण है? काम किया है। काम किया है दिल से? बड़ा काम किया है कि हेल्थ फैसिलिटी। अच्छा। बहुत सारे गरीब लोग बिना इलाज के ऐसे ही तड़पते रहते थे, लेकिन हॉस्पिटल में जाते हैं सारा काम ऐसे होता है, एक नंबर। मैं खुद डॉक्टर हूँ, हम देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं, पहले नहीं था इतना कुछ। हॉस्पिटल आने से पहले आपके 50,000 रुपये जमा होते थे, लेकिन अब सारा काम सिस्टमेटिक होता है, इलाज पहले पैसे बाद में। भाई साहब आप कहाँ से हो? मैं जयपुर से ही। ऐसा क्या लग रहा है आपको, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए काम के आधार पे। मैं भी ऐसे नर्सिंग स्टाफ हूँ। और कई कहते हैं कि धर्म के आधार पे भी सरकार बनने जा रही है बीजेपी की। जिनकी सोच है उनको आप कोई समझा नहीं सकता, धर्म के आधार पे, काम के आधार पे, दो ही काम होते, एक तो धर्म के आधार पे, काम के आधार पे। आप काम के आधार पर वोट दो। पढ़े लिखे लोग तो करेंगे नहीं धर्म की बातें, सबको पता है सर्वधर्म निरपेक्ष रहता है इंडिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। काम है कांग्रेस बनेगी, काम नहीं है तो नहीं बनेगी। काम क्या है? शहरों में छोड़ो, आप गांव में जाके पूछो, वहाँ के हालात देखो, सच में खुश है लोग, खुश है लोग, बहुत खुश है। और काम के आधार पर ही वोट होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं। भाई साहब मोदी जी की चाय पी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया, बहुत अच्छी चाय है, टेस्टी है। इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? मेरे ख्याल राजस्थान में तो बीजेपी आनी चाहिए। अशोक गहलोत ने जो योजना है, घोषणा पत्र, 7 गारंटी दी, क्या उससे जनता के ऊपर फर्क नहीं पड़ा कुछ? देखिए ये गारंटियाँ जो है वो फ्री का जो गारंटी है वो उसके लिए मानता है, विकास के लिए सही नहीं है। बाहर आना है वो हम लोगों पे आना है, ज़्यादा मिडिल क्लास पे ज़्यादा भार आएगा। आप फ्री दे के आप करते रहो तो उससे क्या मतलब है? आप बल्कि युवाओं को भटका रहे हो, आप उनको नकारा बना रहे हो, आप उनको आलसी बना रहे हो, आपको काम चोर बना रहे हो। आप काम दो फ्री का दे के आप कुछ नहीं करेंगे। आज गाँव में एक लड़के निकलते नहीं, ऊपर भी दिया रहा तो फ्री में नहीं दिया जा रहा, वो भी पैसे ले रहे हैं उनसे भी। किसका कह रहा हूँ कि गोबर भी दिया जा रहा तो उसके भी पैसे दे रहे हैं, कोई फ्री भी ऐसा कुछ नहीं है। आप फ्री कहाँ करते हो? नहीं गोबर ये तो है, तो आप दोगे तो आप जैसे योजनाएं दे दी गई लो उसने सबको दे दिए, तो ये फ्री जो मोबाइल आप फ्री दे रहे हो, आप अब लैपटॉप दे दोगे, आप साइकिलें फ्री बांट रहे हो, आप अनाज जो लोग दे रहे हैं वो आप फ्री कर रहे हो, तो फिर जो लड़के हैं वो कमाएगा क्यों बताओ? आप गाँव में आप जाके स्थिति देखो, आप लोग गाँव से आ जाते हैं यहाँ के, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है, फ्री में अपना काम चला रहे हैं, तो क्यों आप अगला कंपटीशन की तैयारी? जो हॉस्पिटल में जिसका कोई भाई, किसी की माँ, किसी की बहन बीमार रहती है और उसके कर्जा रहता है, और वो कर्जा करने की और कोशिश करता है कि मैं 20 से 25 लाख 10 लाख का कर्जा कर मेरे भाई को बचा लूँ कैसे भी करके, तो वो चीज़ उसको फ्री में मिल जाती है, तो वो उसके लिए बेनिफिट है या नुकसान है? मेडिकल जो चीज़ है वो फ्री होनी चाहिए, वो अच्छी बात है, उनकी कुछ योजनाएँ अच्छी ठीक है, चिरंजीवी योजना में लाभ मिल रहा है ये ठीक है, लेकिन बाकी जो चीज़ें में आप देख रहे हो तो उसमें कोई मुझे लगता नहीं है कि उससे कोई फ़ायदा होगा युवाओं को, उसको आप बंद करनी चाहिए। कल एग्जिट पोल आया, क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल देखो ये रुझान है, बाकी वो 3 तारीख को पता चलेगा, मिला जुला है, इस पर कोई स्पष्ट कह नहीं सकते कि क्या आना है क्या नहीं आना है,
10-15 सीटों का ऊपर नीचे तो होता है, तो उधर उधर होगी तो कांग्रेस भी आ सकती है और बीजेपी भी आ सकती है। तो 3 तारीख को ही पता चलेगा, इस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। भाई साहब, आप थोड़ा दूर दूर भाग रहे हो, क्या कहना चाहोगे? इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस की? हाँ जी। कांग्रेस की सरकार क्यों ला रहे हो आप? ये गरीबों को ही तेजी है, गरीबों को दवाई फ्री कर रखी है, अनाज फ्री कर रखी है, हर तरह से बढ़िया है। आप कहाँ से आए हो साहब? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से हूँ। आपको लग रहा कंफर्म कि कांग्रेस सरकार बने? बिल्कुल। एग्जिट पोल भी है तो क्या लग रहा है आप? एग्जिट पोल भी कांग्रेस की बता रहे हैं, कई बीजेपी के भी बता रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं, कई बता रहे हैं, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। पोल फेल है अब की बार? फेल है बिल्कुल सर। जो भी एग्जिट पोल न्यूज़ वाले जो भी निकाल रहे हैं ना, वो सब फेल है सर अब की बार। कोई बता नहीं सकता क्लियर एग्जिट पोल क्या है अब की बार, तो कोई मालूम नहीं है, कल ही मालूम चलेगा तो रिजल्ट आने के बाद ही। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं 100% गलत है ये तो। सर सरकार बननी चाहिए कांग्रेस की। बिल्कुल सर। कांग्रेस की क्यों सरकार? गहलोत साहब ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं लाई है, कोई सोच नहीं सकता। सेंटर में मोदी जी फैल ऑफिस के सामने, यहाँ पे ओपीएस ला दिए सर यहाँ पे गहलोत साहब ने, तो गहलोत जी आएंगे। क्या क्या फायदे हो रहे हैं थोड़ा सा? सर जो सेवा दे रहे हैं राजकीय सेवा, उनको पेंशन नहीं है। कर्मचारियों के लिए क्या? कर्मचारियों के लिए सेवा, ओपीएस पेंशन नहीं है तो जरूरी है सर। उसके अलावा इन्होंने चिरंजीवी योजना लाई है, बहुत बढ़िया योजना लाई है। 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा ही है, कई योजनाएं हैं यहाँ पर गहलोत साहब की, बहुत बढ़िया है, बेनिफिट हुआ है। बिल्कुल सर। एक लास्ट सवाल, जो धर्म कांग्रेस कह रही है कि धर्म की राजनीति करती है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार, तो सर बिल्कुल गहलोत साहब कांग्रेस सही बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास में 2-3 मुद्दे हैं, एक तो उनका धर्म वाला मुद्दा है और उनका ये अखंडता एकता, कुल मिला के धर्म पे राजनीति है, उनके पास और कुछ है नहीं, मुद्दा है नहीं। हिंदुत्व की बात जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है क्या? सर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या सर? ये हिंदू राष्ट्र ही है, पहले क्या हिंदू राष्ट्र नहीं था? पहले हिंदू राष्ट्र था, अभी हिंदू राष्ट्र ही है, ये कौन सा अपना मुस्लिम राष्ट्र हो गया? ये वो ये बोलते हैं एकता वाली बात, तो उसमें क्या है एकता? यस में मुस्लिम हिंदू इन्होंने ने बांट रखे हैं, बीजेपी वालों ने काम क्या है हिंदू मुस्लिम अलग अलग ये कर रखे हैं। मुद्दा एक है ना इनके पास में सर, बीजेपी वालों के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है वैसे इनके पास में। भाई साहब आपका क्या नाम है, कहाँ से? प्रदीप चौधरी, जयपुर से ही हूँ भाई साहब। जयपुर से? जयपुर में कहाँ रहते हैं? प्रतापनगर। प्रतापनगर, इस बार किसकी लहर चल रही है, किसकी हवा चल रही है, क्या है? हम तो भाई कांग्रेस ही चाहते हैं भाई। कांग्रेस ही चाहते? बिल्कुल। क्यों कांग्रेस चाहते हो साहब? कांग्रेस देखो गरीबों के लिए और किसानों और जवानों के लिए बहुत सही है, इस वजह से हमें तो वापस कांग्रेस ही चाहिए। और देश या राजस्थान में? पूरे राजस्थान और देश दोनों में अब परेशान हो चुके बीजेपी से। ये है बीजेपी ने देखो लोगों को भ्रमित किया, केवल मंदिर मस्जिद से क्या होगा बताओ? लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार भी तो चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा, मेन मुद्दा तो रोजगार का है। मंदिरों में क्या करेंगे अपन? मंदिर में जाने से कोई रोजगार मिल जाए तो मैं रोज जाऊं। पर आदर्श नगर में किसकी लहर चल रही, क्या है? पूरे राजस्थान में बीजेपी की आ रही है सीटें और बहुमत से जीतेगी, 115 सीटों पर जीतेगी बीजेपी। 15 सीटों पर? ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। एग्जिट 3 तारीख को पता चलेगा कौन जीतेगा। एग्जिट पोल भी है कल, क्या कहोगे? एग्जिट पोल दोबारा अपना स्टेटस बदल रहा है, बार बार चेंज करके दे रहा है, सट्टा बाजार पलोदी भी चेंज करके बता रहा है। राजस्थान में वापस 106 सीटों के साथ कांग्रेस वापस आ रही है। 115 पे बीजेपी बहुमत से आ चुकी है, सट्टा बाजार भी बता दिया है कि बीजेपी का बहुमत है राजस्थान में। क्यों आ रही है बीजेपी सरकार, क्या है कारण, क्या है? क्या इसमें कांग्रेस की रणनीति थी जो भी है, पेट्रोल डीजल ये छोटा मुद्दा है, कन्हैया हत्याकांड में कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, 5 लाख के अलावा कुछ भी नहीं दिया। कन्हैया हत्याकांड में आपको पता ही नहीं 1 करोड़ दिए सर? नहीं सर, वो बहुत टाइम बाद में दिए। बड़ा आपने 1 करोड़ रुपए दिए सर? 5 लाख रुपए दिए सर, ढंग से आप चेक कर रही है सर। आप गलत हो 1 करोड़ रुपए दिए सर बीजेपी के सर। 1 करोड़ अशोक गहलोत ने दिए थे सर? सर वो बाद में। बाद में कब? सेम डे क्या होता है? 10 दिन बाद दिया तो पैसा तो दिया ना, डिसीजन नो पैसा दिया सर 1 करोड़ रुपए। और सरकारी नौकरी भी दी है? सरकारी नौकरी तो सर उसको ही मिली है, उसको मिली है। और जो रामगंज में हुआ, रामगंज में हुआ तो वो गलत था, सही था ये बताओ? गलत किया गहलोत ने, सेम डे गहलोत ने किया था रामगंज में? गहलोत ने किया है सर, सेम किया था गहलोत। मैं क्या है हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं बोलना चाहता, अच्छा नहीं लगता उसके बारे में। इंडिया में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है और राजस्थान में भी बीजेपी की है। अभी आपको तुरंत पकड़ा गया था उसी दिन, सेम डे पकड़ लिया। कौन लोग? राजस्थान पुलिस थी जो उन्होंने सरकार के तुरंत एक्शन लेने पर ही उन्होंने दोनों को गिरफ्तार किया था। मैं जानना चाहूंगा कन्हैयालाल के हत्याकांड के जो आरोपी थे, आरोपी कौन थे? आरोपी मुस्लिम ही थे।
मुस्लिम थे, काटा था। वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे? पार्टी का कोई आता पता ही नहीं था उनका। सर बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। बीजेपी की तारीफ कर रहे हो और वो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे? बीजेपी से जुड़े हुए नहीं थे सर। चलो चलो चलो, आप कह रहे हो इकबाल का जो हत्याकांड हुआ वो क्या सही रहा या गलत हुआ ये बताओ मेरे साथ। वो इकबाल का जो हत्याकांड हुआ वो उसकी गलती थी, उसने सरिया लाया था और वो बचाओ में मर्डर नहीं हुआ, वो मर्डर नहीं कह सकते अपन उसको। फिर क्या हुआ? वो उसने सरिया लाया है। इस राजस्थान प्रदेश में कम से कम 1000 होते होंगे अगर ऐसे मुद्दे लेके बैठेगी बीजेपी तो ऐसे थोड़ी। जी भाई भागो मत, आप इधर आओ इधर आओ, पहले बात पूरी कंप्लीट करके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या कहो आप बताओ, ये बताओ इकबाल का जो हत्याकांड हुआ क्या कहोगे? इकबाल का जो हत्याकांड हुआ वो सरिया भी उसने लाया, पहले भी उसने घटना की, वो बचाव के चक्कर में उसके शरीर पे लग गई, उसके चक्कर में उसकी मौत हुई थी। अब, इसके अलावा अब जो भी हो गया उसको सरकार ने कुछ भी दिया तो क्या गलत था या सही था? सर सेम डे डिसीजन करना, इसमें उन्होंने जो जोरी बाजार में एकदम से ये हत्याकांड बीजेपी के षड्यंत्र है, ये चुनाव जीतने के लिए अपने मुद्दे बना रहे हैं, ना कि कोई ये घटना थी। ये बीजेपी वालों का एक पॉलिटिशियन गेम है, ये क्या हर बार अपना नया मुद्दा उठा के लाते हैं तो कैसे चुनाव जीतते हैं? ये को मालूम लग जाएगा आपको ये चीज, जो जनता बताएगी एक उंगली से कैसे जीतते हैं। जनता ही जवाब देगी आपके बातों का कि कैसे भ्रमित किया जाता है लोगों को चुनाव के लिए। उसी टाइम ये मुद्दे क्यों आते हैं? पहले के मुद्दे कहाँ चले गए वो भी तो देखो ना। 8 बजे मालूम लग जाएगा 3 तारीख को अटैक हुआ उसके बारे में जाके देखो, एक बार मलिक साहब से पूछ के देखो राज्यपाल को कैसे दबाया गया था अजीत डोभाल के द्वारा, वो तो क्यों नहीं आ रही आपकी, बीजेपी वालों की क्यों नहीं आ रही वो मुद्दे? जब 40 जवानों को सरे आम वहाँ पर बमबारी अटैक करवा के बीजेपी वालों ने तुरंत उस पर एक्शन बनवा के नया फंडामेंटल बना के चुनावों के लिए मुद्दा बना लिया, वो कहाँ है? वो तो जाओ पीछे भी तो देखो, राज तो सारे खुलेंगे जब एक बार आने तो केंद्र में कांग्रेस को पता चल जाएगा बीजेपी को। 70 साल जो है राज की है कांग्रेस ने, और आज फौजी से पूछो कितने साइंस से जीते हैं फौजी भाई मोदी जी के राज में, उन्होंने पूरी चुनौती दे दी कि आपको जो भी आके लो आप, जो ही मोदी जी के राज में देश को मजबूत भी तो बनाया ना कांग्रेस ने भाई साहब, 70 साल में कांग्रेस ने ही तो आपको यहाँ खड़ा कर रखा है। भारत में एक ही पार्टी कांग्रेस, शुरू से हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं बचा बीजेपी के पास मुद्दा, ओनली हिंदू मुस्लिम है, राम मंदिर है, 370 से क्या हो जाएगा? लिया किसी ने प्लॉट बीजेपी वालों ने, किसी ने जाके कश्मीर में प्लॉट 24 में 22 तारीख को राम मंदिर भी बन गया, डेट भी आ गए, उद्घाटन भी होने वाला है बीजेपी का, राम मंदिर जिसको लाया है अपन राष्ट्रीय इसके लिए बोलते हैं ना कि बीजेपी। चलो चलो चलो, वो तो हाई कोर्ट का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है, वो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया तभी तो हुआ ना, वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है फिर इसको मतलब बीजेपी। कांग्रेस राज में भी हो सकता था ना ये 370 धारा राम मंदिर से लगातार कोर्ट में मुद्दा चल रहा था, वो तो जिनकी सरकार के उनकी तरफ भाई साहब क्रेडिट नहीं, कांग्रेस ने कहा वो मंदिर हटवा दिया था क्या? वो पहले भी तो था भाई, पहले भी था, पहले बनने नहीं दे रहे थे, बस वही है कि शांति बने रहे मुल्क में अंदर, ये है अभी भी शांति से सारे कार्य हो रहे हैं, शांति से राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 2022 में, 2024 में उद्घाटन होएगा राम मंदिर का, आराम शांतिपूर्वक होगा। हॉस्पिटल का, किसी शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल का, कॉलेज का उद्घाटन होगा कभी? सब कुछ होएगा, राजस्थान में भी होएगा चिरंजीवी के तहत। सबसे बड़ा तो गहलोत है जिसने 50 लाख का क्लियरिफाई किया है कि सरकार आने पर मैं 25 लाख को 50 लाख में बदलूंगा। वसुंधरा राजे ने ये योजना चालू की थी, चिरंजीवी योजना बाद में हुई, पहले वसुंधरा राजे ने चालू किया था भामाशाह, उसके बाद में चिरंजीवी हुई थी सर। अशोक गहलोत के राज में पूरा पहले भी पशुओं से लेकर जानवरों से लेकर सबके लिए इलाज फ्री किया गया है, वही एक अच्छा नेता है जो यहाँ पर सबके लिए जीवों के लिए सबके लिए वो अपना। देखिए ये थी हमारे साथ लाल कोठी की जनता, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस या बीजेपी की जो सरकार बनेगी 3 तारीख को ही पता चलेगा। एग्जिट पोल जो बता रहा है उस एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग तो काम कुछ जो अनुमान है वो सही से बताया नहीं जा रहा। कैमरा पर्सन अरमान के साथ मैं हूँ वसीम खान।